हाय एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो आज के वीडियो में आप मूविंग एवरेजेस की दो स्ट्रेटजी सीखेंगे बिल्कुल ही बेसिक स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं कैसे यूज़ करते हैं एस एम ए एम ए कौन सा प्रॉफिटेबल होता है आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए ट्रेड कैसे करते हैं मूविंग एवरेज को यूज़ करके तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आपको स्ट्रेटजी तो सीखने को मिलेगी ही साथ ही ट्रेड को मैनेज कैसे करना है जब प्रॉफिट हो तो क्वांटिटी को इंक्रीज कब करना है जब लॉस हो तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए एंड एवरीथिंग तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेक मेक्श्योर sure आप लास्ट तक वीडियो को देखें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ेंगे ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आए

तो अभी ये टेन एम ए क्या होता है टेन ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड आपने देखा होगा लोग ये सारे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे अभी तो अगर हम टेन एम ए प्लाट करते हैं चार्ट पे तो ये क्या करता है ना लास्ट के टेन कैंडल्स का एवरेज निकाल के उसको प्लॉट करता है राइट तो अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में ट्वेल्व कैंडल्स हैं बट हमने टेन एम ए लगाया हुआ है तो ये क्या करता है कि ये लास्ट से यहाँ से लेके कर टेन कैंडल्स जहाँ तक भी आएंगे वहाँ तक का एवरेज निकालता है एंड उसको यहाँ पे प्लॉट करता है राइट लेकिन जैसे ही यहां पे हमारी कोई नई कैंडल बन जाती है ना तो ये क्या करता है कि इस कैंडल का वेटेज हटा देता है एंड इसको इंक्लूड कर लेता है सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और कैंडल बन जाती है तो हमारा ये कैंडल भी इनवैलिड हो जाता है क्योंकि हमें लास्ट के टेन कैंडल चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो हम इस केस में यहां तक लेंगे तो ऐसे करके ना ये ग्राफ प्लॉट होते जाता है ये एग्जाम्पल मैंने टेन पीरियड मूविंग एवरेज का बताया सिमिलरली ट्वेंटी पीरियड मूविंग एवरेज में क्या होता है कि लास्ट के ट्वेंटी कैंडल्स का एवरेज निकाल के प्लॉट करते हैं सिंपल वैसे ही सारे मूविंग एवरेज प्लॉट होते हैं मूविंग एवरेज के बारे में इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट ट्रेडिंग में तो नहीं काम आएगा तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं एंड हमें कौन सा यूज़ करना होता है तो मूविंग एवरेज के टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं सबसे पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज सेकेंड होता है एक्सपोनशियल एंड थर्ड होता है वेटेड मूविंग एवरेज वेटेड मूविंग एवरेज हम ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ई एम एंड डब्ल्यू एम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं अभी आपको मैं चार्ज पे दिखाऊंगा मेन हमारा एस एम ए सिंपल मूविंग एवरेज एंड ई एम एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज ये दोनों होते हैं तो आइए चार्ज पे चलते हैं डायरेक्टली वहां पे देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना और क्या होता है राइट तो ये मैंने एक चार्ट खोल लिया आपके सामने इसमें सबसे पहले दोनों मूविंग एवरेज लगा देते हैं एक्सपोनशियल एंड सिंपल उसके बाद बात करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है सिंपली आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है सबसे पहला आपको ये दिखेगा मूविंग एवरेज ये सिंपल है एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये एक्सपोनेंशियल है दोनों का आपको ऐड कर लेना है राइट right? अब ऐड करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये नाइन पीरियड है इसमें आपको समझ नहीं आएगा बहुत ही क्लोज है एक काम करता हूँ मैं इसको चेंज करके आपको हंड्रेड पीरियड कर देता हूँ राइट right? तो यहाँ पे हम हंड्रेड इनपुट कर देते हैं एंड थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ ओके सेम वैसे ही एक्सपोनेंशियल को भी चेंज कर लेता हूँ इसका कलर रेड कर देते हैं एंड पीरियड हंड्रेड कर देते हैं ओके okay. तो आपके सामने यहाँ पे दो लाइन दिख रही हैं आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज है एंड एक एक्सपोनेंशियल है जो रेड कलर का है वो एक्सपोनेंशियल है एंड जो ब्लू uh, कलर का है सिंपल है राइट तो आप खुद देख सकते हैं दोनों में कितना माइनर डिफरेंस है सिंपली होता क्या है अभी आपको मैंने सिंपल मूविंग एवरेज समझाया था सपोज मैंने यहाँ पे हंड्रेड पीरियड लिया हुआ है तो ये क्या करेगा सबसे लास्ट कैंडल से लेके हंड्रेड कैंडल तक का एवरेज निकाल के डिवाइड बाई हंड्रेड करके यहां पे वैल्यू पुट करता है करेक्ट एंड में क्या होता है कि सेम चीज वो भी इसमें यही करता है कि लास्ट कैंडल के एवरेज निकाल के यहाँ पुट होता है बट डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि जो लास्ट कैंडल है उसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगा उससे कम इसका उससे कम इसका एंड सबसे लास्ट वेटेज जो होगा वो हंड्रेड कैंडल का होगा ठीक है क्लियर है तो ये माइनस का डिफरेंस होता है तो दोनों में से आप कोई सा भी मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि आप एक्सपोनेंशियल यूज़ करो तो मैं यहाँ से सिंपल मूविंग एवरेज को रिमूव कर देता हूँ हम लोग एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे ठीक है तो अब बात कर लेते हैं आपने सुना होगा कि ट्वेंटी पीरियड मूविंग एवरेज फिफ्टी हंड्रेड टू हंड्रेड तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एंड इसको कैसे यूज़ करते हैं सारे एवरेजेज ना मैं चार्ट पे पहले लगा लेता हूं चार ओके okay. इसको हम कर देते हैं ट्वेंटी नेक्स्ट हम लेंगे 50 पीरियड मूविंग एवरेज इसको हम कर देते हैं 50 लास्ट हम कर देते हैं 200 जो कि सबसे बड़ा मूविंग एवरेज होता है तो ये आपके सामने चार मूविंग एवरेज आपको दिख रही है ठीक है सबसे ऊपर जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके बाद है 50 फिर 100 एंड फिर 200 हंड्रेड टू हंड्रेड का मतलब है कि टू कैंडल्स का एवरेज निकाल के यहाँ पे पुट किया गया है तो यहाँ पे लोगों को एक कन्फ्यूजन ये होती है कि उन्हें पता नहीं चलता कि इसमें से कौन सा मूविंग एवरेज किस पीरियड का है तो वो क्या करते हैं ना कलर वाइज याद करते हैं कि नहीं ब्लू जो है वो टू हंड्रेड होगा जो हंड्रेड होगा वो रेड होगा ऐसे करके बिल्कुल ही गलत तरीका है कोई भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है सिंपली मैं आपको बताता हूँ सबसे छोटा जो मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस के सबसे पास होता है एंड सबसे बड़ा जो मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस से सबसे दूर होता है यहाँ पे ये ट्वेंटी पीरियड है यहाँ पे ये फिफ्टी है हंड्रेड है एंड ये टू हंड्रेड है आप किसी भी चार्ट में लगाएंगे आपको इतना ही दिखेगा सिंपल सी चीज़ है ना प्राइस अगर सिर्फ बीस कैंडल का एवरेज ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका एवरेज कम होगा तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि मूविंग एवरेज को हम यूज कैसे कर सकते हैं मूविंग एवरेज को हम यूज कैसे कर सकते हैं हाउ कैन वी यूज मूविंग एवरेज तो देखिए मूविंग एवरेज को ना हम तीन तरह से यूज करते हैं सबसे पहला ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइन करने के लिए एंड थर्ड बाय सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए मूविंग एवरेज का स्लोप अगर अप है अगर ये अपो डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है करेक्ट अगर मूविंग एवरेज फ्लैट है हमारी एंड प्राइस इसके ऊपर नीचे बार बार चौपी हो रहा है इसका मतलब हमारा ट्रेंड साइडवाइज है लास्ट केस मूविंग एवरेज का स्लोप अगर डाउनवर्ड्स है इसका मतलब कि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में है ठीक है सेकेंड हमारा था कि मूविंग एवरेज को हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं आइए देखते हैं कैसे सपोज़ करते हैं कि ये कोई मूविंग एवरेज है तो आपने चार्ट में देखा होगा कि प्राइस जब भी इसके पास आता है वो एक बाउंस लेता है वापस से आके फिर से बाउंस लेता है थोड़ा सा नीचे कट करेगा फिर से बाउंस लेगा तो ऐसे मूविंग एवरेज प्राइस को अक्सर सपोर्ट किया करते हैं सिमिलरली मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरफ भी वर्क करता है सपोज़ ये कोई मूविंग एवरेज है प्राइस जब भी डाउन ट्रेंड में होता है एंड वो बाउंस लेता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलती है मूविंग एवरेज के पास वापस से नीचे आके दोबारा रेजिस्टेंस लेके ऐसे नीचे आता है तो मूविंग एवरेज दोनों साइड से रिस्पेक्ट होते हैं अगर ऊपर से आएगा प्राइस तो उसको सपोर्ट करता है प्राइस अगर नीचे से आता है तो मूविंग एवरेज उसको रजिस्टेंस प्रोवाइड करता है थर्ड हमारा है बाई एंड सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए तो मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग के लिए देखिए हम दो तरह से यूज कर सकते हैं फर्स्ट वन इज क्रॉस ओवर ट्रेडिंग विच इज़ आवर फर्स्ट स्ट्रैटी तो इसको देखते हैं पहले एंड इसकी बात कुछ देर में करते हैं अभी सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ट्रेडिंग तो हमें इस स्ट्रेटजी में दो मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ती है एक बड़े पीरियड की सपोज 50 हो गया या 100 हो गया 200 है ना एंड एक हमें छोटे पीरियड मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ती है सपोज 10 या 20 तो जहां पे क्रॉसओवर होता है वहां पे हम अपनी एंट्री लेते हैं एंड उसके बाद अपने पोजिशन को ट्रेल करते जाते हैं इस जो बड़ी मूविंग एवरेज होती है इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चार्ट डिटेल में देखेंगे अभी आप रूल देख लीजिए जिसके हेल्प से हमें ट्रेड करना है फर्स्ट हमारा है जो हमारी बड़ी वाली मूविंग एवरेज होगी उसको हम 200 यूज करेंगे एंड जो छोटी मूविंग एवरेज होगी उसको हम 51 का यूज़ करेंगे शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज जब लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर के साइड कट करेगी इसका मतलब कि हमें बुलिश ट्रेड लेना है सिमिलरली इसका उल्टा शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज जब लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे के साइड कट करेगा इसका मतलब कि हमें बेरी ट्रेड लेना है ट्रेंड हमारा बेरिस है सो so नेक्स्ट हमारा है टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस एंड टारगेट टाइम फ्रेम हमें फिफ्टीन मिनट्स का लेना है स्टॉप लॉस हमें टू हंड्रेड मूविंग एवरेज के नीचे लगाना है आपको अभी चार्ट चार्टे बताऊंगा मैं टारगेट इसके लिए फिक्स नहीं रहेगा आपको टू हंड्रेड मूविंग एवरेज के साथ राइड करना है प्राइस जैसे ही मूविंग एवरेज को नीचे के साइड कट करेगा आप उसमें से एग्जिट करेंगे तो चलते हैं चार्ट पे एंड वहाँ पर प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमें ट्रेड लेना कैसे है कौन से ट्रेड हमें इग्नोर करना है एंड स्टॉप लॉस टारगेट कैसे हमें मिलता है तो ये हम चार्ट्स पे आ गए है। हैं टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट्स का रहेगा एंड हम दोनों ये में इसमें अप्लाई कर लेते हैं दोनों मूविंग एवरेज हमारे एक्सपोनेंशियल रहेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 9 आया है फर्स्ट को हमें 51 करना है एंड सेकंड को 200। तो दोनों मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा दी है ये जो रेड है वो फिफ्टी है एंड जो ब्लू uh, लाइन है वो टू मूविंग एवरेज है तो आइए आप बैक टेस्ट कर लेते हैं सेम चार्ट रखेंगे एंड रूल्स को भी सेम रखेंगे साथ में आपको बताते जाता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा एंड आपका टारगेट कहाँ पे आपको रखना है तो आपको सबसे पहला केस तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा राइट ये जो है यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हुआ था आप सिर्फ क्रॉसओवर पे भी ट्रेड कर सकते हैं लेकिन मैं बोलूँगा आप एक और कन्फर्मेशन कम से कम ले लीजिए आपको अगर इंडिकेटर्स लेना है तो वो कर सकते हैं आप लेकिन मैं प्राइस एक्शन प्रिफर करता हूँ तो मैं थोड़ा सा चार्ट को जूमआउट करूँगा मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर क्या ये एक रजिस्टेंस लाइन दिख रही है आपको यस बिल्कुल दिख रही है तो जब ये रजिस्ट्रेंस लाइन को क्रॉस किया है उसके साथ में ही यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो आपका ये डबल कंफर्मेशन ट्रेड हो गया आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए टारगेट आपको फिक्स नहीं करना है आपको 200 के साथ ट्रेल करते जाना है ठीक है ठीक 200 हैं हमारी ये वाली है ब्लू वाली तो इसके साथ आपको ट्रेल करते जाना है आप जब एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में ये टू जो है इसके नीचे रहेगा मतलब ट्वेंटी के आसपास राइट इसके नीचे अगर एक दो तीन कैंडल क्लोज होती है तो आप एग्जिट कर देंगे जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव करते जाएगा ये जो टू हंड्रेड के एवरेज है ये साथ साथ ऊपर मूव करते जाएगा करेक्ट तो आपको और केसेस दिखाता हूँ ये जो प्राइस नीचे आ रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्रॉस ओवर हुआ होगा अगर आप देखेंगे तो हमारा क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ है राइट तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी चाहिए करेक्ट लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो मुझे एक यहाँ सपोर्ट लाइन दिख रही है तो ये सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट एंड रेटेस्ट एक साथ हुआ है एंड यहाँ पे ये साथ में ही क्रॉसओवर मिला है हमें तो हमारा ये फिर से डबल कंफर्मेशन ट्रेड है अब यहाँ पे आपने एंट्री किया आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा आप इसके ऊपर रख सकते हैं ज्यादा सेफ चाहिए तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं तो आपको एंट्री लेने के बाद ये जो टू है ब्लू वाली इसके साथ आपको चलते जाना है राइड करते जाना है तो हमारा ये ट्रेड कहाँ पे कट हुआ है आइए देखते हैं इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक कैंडल क्लोज दी थी बट ये इतनी छोटी कैंडल इसको हम बिल्कुल भी वेटेज नहीं देंगे आपको अगर मैं बताऊं तो कम से कम ऐसी कैंडल ये जो दिख रही है ना आपको कम से कम ऐसी कैंडल चाहिए यहाँ पे क्लोजिंग 200 के ऊपर या फिर छोटी छोटी दो तीन कैंडल हो तब आप एग्जिट करेंगे नहीं तो आप अगर इतनी छोटी कैंडल पे एग्जिट करेंगे तो आपको ये बीच में ही निकाल देगा तो आपको राइड करते जाना टू के साथ हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे एग्जिट हुआ है करेक्ट इसको और पीछे करते हैं और देखते हैं एक केस ये प्राइस देखिए ऊपर आ रहा है इसका मतलब कि नीचे से कहीं क्रॉस हुआ होगा ओके तो ये देखिए यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है इस पॉइंट पे 2300 के आसपास साथ में हमने जो ये लाइन लगाई थी पीछे सेम लाइन देखिए यहाँ भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ओके दिस इज फाइन तो आप देखेंगे यहाँ पे ये यह रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था एंड यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था जब छोटी मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस की इसका मतलब हमें बुल जाना है आपको मैंने रूल्स में बताया था तो आप एंट्री यहाँ ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है जब ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया ना तो ये सोनर और लेटर क्रॉस ओवर हो जाएगा या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप एंट्री यहाँ भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने एंट्री ली ट्वेंटी थ्री हंड्रेड फोर्टी के आसपास यहाँ पे राइट एंड आपका स्टॉप लॉस होगा ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी के आसपास फिर आपको साथ साथ टू हंड्रेड के साथ राइड करते जाना है जब तक ये टू हंड्रेड मूविंग एवरेज को नहीं कट करेगा नीचे के साइड तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है करेक्ट अब ये देखिए यहाँ पे इसने दो कैंडल कट कर दिया था मैं बोलूंगा आप एग्जिट करो ठीक है यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग दी थी उसके साथ साथ डबल कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे आ गई है तो मैं बोलूंगा अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप एग्जिट करो नहीं तो आपको अगर थोड़ा सा और वेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं ये जो लास्ट स्विंग है इसका लो ब्रेक हो जाने दें उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं आराम से तो ऐसे करके ना आपको एंट्री एग्जिट करते जानी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इस स्ट्रेटजी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो अगर आप किसी भी साइड वाइज स्टॉक में फंस गए तो आप इसमें पैसे नहीं बना सकते तो मेन क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि साइड वाइज स्टॉक कौन से हैं तो आपको अभी मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज अगर आपका फ्लैट है तो साइड स्टॉक क्या करते हैं इसके ऊपर नीचे बार बार इसको चौपिंग करके कट करते रहेगा राइट तो आपको अगर ऐसा कहीं दिख रहा है ना तो उस ट्रेड से आप बाहर निकलिए या फिर उस स्टॉक को आप फिर हल्के लिए छोड़ दीजिए हमारे पास बहुत स्टॉक है सर क्यों आपको उसमें जाना है आपको अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ चार्ट पे, तो कोई और चार्ट लगाते हैं आपको दिखाता हूँ मैं आई अब ये देखिए साइड स्टॉक में इसको बोलता हूँ आपने एंट्री यहाँ पे लिया था आपका एग्जिट यहाँ पे हुआ फिर आपने एंट्री यहाँ पे ली क्रॉस ओवर पे आपका एग्जिट यहाँ पे हुआ फिर आपने एंट्री एंट्री ली ली आपका एग्जिट पे हुआ वापस थोड़ा सा प्रॉफिट मिला फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा राइट right? ये देखिए वापस पे एग्जिट करा दिया आपका तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज टू हंड्रेड है प्राइस इसके ऊपर नीचे बार 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 ऊपर नीचे कर रहा है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को ना अवॉइड करना है जब तक आप ट्रेंडिंग स्टॉक में रहेंगे आपका नेट में लॉस नहीं हो सकता इस स्ट्रेटजी से ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे सर्च करना है आपको उसके लिए ना थोड़ा सा सेक्टोरल एनालिसिस करना पड़ेगा ये देखिए मेरे पास एक वॉचलिस्ट रहती है इंडाइसिस की इसमें देखिए सारे सेक्टर्स हैं आईटी मेटल एंड ऑल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर सकते हैं आप राइट अब इसमें आपको बताता हूँ कैसे आपको देखना है इसमें जैसे ऑटो खोलते हैं ठीक है टाइम फ्रेम आप डेली लगा लीजिए तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे ना तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर पोस्ट किया था कि ऑटो सेक्टर ब्रेकआउट देने जा रहा है तो आपको ऐसे सेक्टर की एनालिसिस करनी है अब आप सोचिए कि आप अगर यहाँ पर फंसे होते तो आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटजी लगा लीजिए कोई काम नहीं करेगी ठीक है दूसरी चार्ट देख लेते हैं तो अगर आप एफ एम के चार्ट को देखेंगे तो ये दिसंबर 2020 से जून 2020 तक एक रेंज में था ठीक है तो आपको इस टाइम पे ट्रेड इसमें नहीं करना है जैसे ही यहाँ से बाहर निकला था आपको यहाँ पे ट्रेड मिला होगा अगर आप फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे किसी भी स्टॉक को आपको दिख जाएगा तो आपको अगर एक और सेक्टर दिखाऊं तो मेटल सेक्टर मेटल सेक्टर अक्सर ट्रेंडिंग रहता है आपको मालूम है ये फिलहाल ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था इसको अगर आपको एक रेंज बना के दिखाऊं मैं तो ये अभी देखेंगे आप बाहर निकला है रेंज से तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि जो मेटल सेक्टर है जो ऑटो सेक्टर है जो सीमेंट सेक्टर है ये सारे सेक्टर ना ब्रेकआउट देकर रेंज से बाहर आए हैं तो ये सारे अभी बोलिश है कुछ महीनों के लिए एक्चुअली तो आप अगर इन सेक्टर के स्टॉक में ट्रेड करते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी आपके साइड ज़्यादा होगी आपको अगर मैं एक ऑटो सेक्टर का एग्जाम्पल एक, दिखाऊँ तो एम का चार्ट लगाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा मैं यहाँ पे अगर सेम स्ट्रेटजी की बात करूँ तो टाइम फ्रेम हम फिफ्टीन मिनट पर लगाएंगे एंड हमारे ई एम सेम है फिफ्टी एंड टू इसमें आप अगर देखेंगे तो लास्ट क्रॉस ओवर हमारा कब हुआ था तो हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हुई थी यहाँ पर एक क्रॉस ओवर दिख रहा होगा आपको तो सोचिए अगर आप यहाँ से इसको लेकर राइड करते जाते हैं सेवन सिक्सटी का रेट है तो आपका स्टॉक ये कहाँ पर कटा हुआ है आप इसको 200 के साथ साथ राइड करते जाइए अभी तक आपके पास स्टॉक है प्राइस इसका 930 के आसपास चल रहा है तो ऐसे करके आप अगर सेक्टर के एनालिसिस को इसके साथ जोड़ देंगे ना तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी तो ये थी पहली स्ट्रेटजी मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम आप इसको दो महीने एक महीने फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए अगर आपकी ये माइंडसेट को सूट करे अगर आप ट्रेड होल्ड कर पा रहे हैं इस स्ट्रेटजी से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सो so, आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी है सो so, हमारी सेकेंड स्ट्रेटजी है सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ट्रेडिंग यूजिंग ई तो इस स्ट्रेटजी में ट्रेड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ सपोज कीजिए कि ये कोई ई है इसको लेट करते हैं टू हंड्रेड है तो आपको मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कोई भी स्टॉक 200 के पास या फिर किसी भी ई के पास आता है तो वो वहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो हमें इस स्पॉट पे ट्रेड करना है कैसे करना है वो आपको बताता हूँ सिमिलरली कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो अगर प्राइस बाउंस लेता है तो वापस से जाके उस ई एम रुकता है अब ये 200 भी हो सकती है 50 भी हो सकती है कोई भी ईमए हो सकती है राइट कौन सी ई होगी ये चीज डिपेंड करेगा उस स्टॉक पे चार्ट्स पे सब कुछ देखेंगे अभी अभी आप रूल्स देख लीजिए जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है नो ई एम एज राइट और रॉन्ग वही चीज अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी ईम ए सही और गलत नहीं होता लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा ई एम बेस्ट होता है हमें कौन सा यूज करना चाहिए सर ये चीज आपको स्टॉक खुद बताएगा अगर आप चार्ट खोल के देखते हैं ना आपको दो से तीन ई लगा के देखनी पड़ेंगी डिफरेंट स्टॉक्स डिफरेंट ई एम को रिस्पेक्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जब कोई ई होगा उस पर अगर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तब हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं जब स्टॉक रजिस्टेंस ले रहा है तब उसको हम सेल कर सकते हैं ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा सपोज ये कोई ई है अब ये 100 भी हो सकता है एंड ये 200 भी हो सकता है तो जब तक स्टॉक इस प्राइस के ऊपर है तब तक ये बुलिस है लेकिन जैसे ही ये प्राइस को कट करके नीचे सस्टेन करता है फिर ये बियर स्टेटरी में आ जाता है नेक्स्ट इज प्राइस इज बेरिज बिलो ई एम एज मैंने यहाँ पे ई एम ए क्यों लिखा है क्योंकि मैंने अभी बताया कि हर एक स्टॉक का डिफरेंट ई एम ए होता है कोई स्टॉक टू हंड्रेड के ऊपर जाके बुलिश होता है कोई स्टॉक हंड्रेड के ऊपर जाके बुलिश होता है कुछ स्टॉक एग्जाम्पल अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो ट्वेंटी ई एमए से नीचे भी नहीं आते हैं तो उनके लिए ट्वेंटी के ऊपर बुलिश एंड ट्वेंटी के नीचे बेरिश तो ये चीजें ना सब्जेक्टिव होती हैं तो आपको करना क्या है कि जब तक प्राइस किसी भी पर्टिकुलर ई एम ए को होल्ड कर रहा है आप उसमें बुलिश रहेंगे एंड जैसे ही वो ब्रेक करता है तो आप उसमें बेरिश ट्रेड देख सकते हैं नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस एंड टारगेट टाइम फ्रेम हमारा वन डे होगा स्टॉप लॉस हमें मूविंग एवरेज के नीचे रखना है अगर आप ट्वेंटी मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हैं तो ट्वेंटी के नीचे फिफ्टी फॉलो कर रहे हैं तो फिफ्टी के नीचे है ना टारगेट को हम इस वाली स्ट्रेटजी में फिक्स रखेंगे आपका जितना स्टॉप लॉस होगा मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू योर टारगेट तो आप चार्ट चलते हैं एंड ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है सो so, ये हम चार्ट पे आ चुके हैं मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम डेली का रखा हुआ है एंड ये टीसीएस का स्टॉक खुला हुआ है सबसे पहले आपको चारों मूविंग एवरेज लगा लेनी है ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड एंड टू हंड्रेड तो आपको क्या करना है आपको ये देखना है कि स्टॉक किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है सो so, इस स्टॉक में हम देखें अगर तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो हंड्रेड की लाइन है स्टॉक बार बार हंड्रेड पे आता है एंड यहाँ से बाउंस कर जाता है तो बाकी तीनों एवरेज हम यहाँ पे हटा देते हैं तो आप अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो सबसे पहले इसने सपोर्ट यहाँ लिया था वापस से आके सपोर्ट लिया थर्ड टाइम एंड ये फिर से यहाँ पे आ रहा है तो आपको क्या करना है इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख लेना है जैसे ही प्राइस यहाँ आके इस ई एम एक ग्रीन कैंडल बनाता है आपकी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगी टू हंड्रेड के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड आपका टारगेट जितना स्टॉप लॉस होगा उतना इंटू टू करके रख लेना है सो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही होगी सो so दूसरा स्टॉक देखते हैं तो हिंडालको का चार्ट ओपन करते हैं हिंडालको इंडिया ओके सो इसमें आप देखेंगे कि ये स्टॉक 100 ई को अपने फॉलो नहीं कर रहा है आपको क्या करना है वापस से सारे ई लगाने हैं एंड आपको देखना है कि किस ई को ये फॉलो करता है आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो रेड वाली लाइन है इसको ये फॉलो कर रहा है रेड लाइन हमारी कौन सी है वो है फिफ्टी वन की मूविंग एवरेज बाकी सब हम हटा देते हैं तो इस स्टॉक में आप देख रहे होंगे एक बार सपोर्ट इसने यहाँ लिया है सेकेंड टाइम यहाँ लिया है थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है तो वही चीज आपको मैंने अभी बताया था कि हर स्टॉक के अलग अलग मूविंग एवरेज होते हैं कोई ट्वेंटी को फॉलो करता है कोई फिफ्टी को या कोई हंड्रेड को भी फॉलो कर सकता है लास्ट केस में हमने देखा था हंड्रेड को फॉलो कर रहा था इसमें 51 को आप कोई और एग्जाम्पल देखेंगे तो हो सकता है तो यहाँ पे एंट्री लेनी थी आपका लॉस इसके नीचे होगा एंड आपका टारगेट वन इंटू तो टू ये दोनों स्ट्रेटजी आपको यूज करते टाइम बस एक चीज याद रखना है कि स्टॉक जब तक ट्रेंडिंग आप सेलेक्ट करेंगे ना आपको नेट में लॉस नहीं होगा एक लॉस हुआ दो प्रॉफिट हुआ ऐसे होते रहता है बट नेट में आप प्रॉफिटेबल निकलेंगे बस आपको चौपी स्टॉक्स में नहीं जाना है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है बट आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सिमिलर कंटेंट आपकी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में टिल देन बाय एंड थैंक यू